नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में चोरों के मनोबल किस कदर बढ़ गए हैं, इसका ताजा नजारा आप देख सकते हैं पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 9 में स्थित भारत सरकार दूर संचार केंद्र पर। कहीं ना कहीं चोरों ने अपने दबिश देते हुए यहाँ पे चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साफ तौर पर यह नज़ारा देख सकते हैं, या ये पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के रोड नंबर 9 के उसी स्टेशन का है जहाँ पे भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के अधीन में दूर संचार विभाग द्वारा यहाँ पे बेतार अनुश्रवण केंद्र का ये ऑफिस है जहाँ पे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि चोर रात्रि में आते हैं और यहाँ चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को घुमा देते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है और उसकी कोई भी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में नहीं कैद हुई है, जिसकी वजह से पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। साफ तौर पर सुनिए यहाँ के कर्मी और गर्दनी भाग के एसएचओ क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं। सूचना मिली है, क्या है? दूर संचार कार्यालय का ताला टूटने की सूचना मिली है, तो हम लोग भी आए हैं, स्टाफ से बातचीत भी हुई है। अभी वो लोग देख रहे हैं क्या सब सामान ले गया है, जांच पड़ताल ये लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, सीसीटीवी भी लगा है, हम लोग देखते हैं। कहाँ पर हुई है चोरी? ये 9 नंबर रोड में पोस्ट ऑफिस के बगल में ये कार्यालय स्थित है दूर संचार का। कार्यालय में सीसीटीवी लगा हुआ था, चोरों की तस्वीरें कैद हुई है? पूछने पर तो बताया गया यहाँ के कर्मचारियों द्वारा कि रात में जो है सीसीटीवी ऑफ रहता है, तो हमें लगता नहीं है कि उससे बहुत कुछ मिल पाएगा। ताले वाले टूटे हैं यहाँ? ताले टूटे। ठीक। संडे को ऑफिस बंद था, आज सुबह मैं आया 9:30 के करीब, तो बाहर मेन गेट का ताला तो लगा हुआ था, मिनी गेट का ताला टूटा हुआ तो बाद में मैंने देखा। पहले अंदर देखा तो अंदर का एक मेन गेट का बिल्डिंग के गेट का ताला और कमरे का ताला दोनों टूटा हुआ था, और अंदर दोनों अलमीरा उसके लॉकर वगैरह टूटे थे और सारा सामान अस्त व्यस्त इधर उधर फेंका हुआ था। तो कुछ कुछ सामान हमने जैसे छोटे मोटे इलेक्ट्रिक के थर्मस वगैरह गायब पाए हैं, और बड़े बड़े सामान कंप्यूटर इत्यादि जैसे तैसे पड़े हैं उसमें से कुछ गायब नहीं हुआ है। क्या किस चीज़ का ये कार्यालय है, ये क्या वर्क होता है? बेतार अनुश्रवण केंद्र है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आता है, वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन। ये पटना में हमारा एक ऑफिस है, पूरे बिहार रीजन का वायरलेस मॉनिटरिंग करते हैं। ये भारत सरकार का? भारत सरकार का कार्यालय। ठीक। क्या लगता है कि लाखों का सामान ले गया है या फिर कितने का नुकसान का आकलन है? सामान मुझे लगता है ऐसा कुछ अभी छोटे मोटे सामान होने पाए, जैसे 2 वायरलेस डोंगल, 2 थर्मस, 1 इलेक्ट्रिक केटल हमें नज़र नहीं आए हैं ऑफिस में, बाकी तो विशेष पता चलेगा अच्छे से देखने पे, और भी सामान कुछ अगर है तो पता चलेगा। सीसीटीवी में क्या कुछ दिखा है? सीसीटीवी एक्चुअली ये हमारा अभी रात में बंद था शॉर्ट सर्किट की वजह से, हमारा अभी एक ही कमरे में ऑफिस चलता है, सारे सामान इसी में रखे हैं, तो यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। अभी से घुसने के बाद सीसीटीवी को भी घुमा दिया है लोगों ने? एक सीसीटीवी ऊपर किया हुआ है। क्या लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट भी गायब हुआ है क्या? अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि लॉकर में जो सर्विस बुक्स भी पड़े थे वैसे के तैसे पड़े हैं। सारे यहाँ से सारे वायरलेस को मॉनिट किया जी, हम लोग वायरलेस मॉनिटरिंग करते हैं, पूरे बिहार भर का स्पेक्ट्रम का जो भी अलॉटमेंट होता है फ्रिक्वेंसी, उसमें स्पेक्ट्रम की मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। नाम क्या है आपका? सतीश कुमार, मैं प्रभारी अधिकारी। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से चोरों का मनोबल लगातार राजधानी पटना में अब बढ़ता नजर आ रहा है, चोरों ने अब भारत सरकार के दूर संचार केंद्र को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।